गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ एंड मैंने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होगी, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। बट इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए एंड उसको प्रेस करने के बाद ये बेल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अभी वीडियो पे चले जाते हैं। प्राइमर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ नायका की फ्लिप मी अप प्राइमर। मेरी फेस की डिस्कलरेशन हाइड करने के लिए मैं कलर करेक्शन करूंगी एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये पर्पल की कन्वर्ट जनरेशन कन्वर्ट ऑपरेशन गार्डियन कंसीलर पैलेट इन द शेड सिटी एजेंट 1। फाउंडेशन में यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स की ड्रॉप द पेस्ट सीरम फाउंडेशन इन द शेड 42 ग्लेस। ये भी ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्ट है बिकॉज ये थोड़े से ड्यूवी फिनिश प्रोवाइड करती है एंड मैटिफाइंग नहीं है। कंसीलर में यहाँ पे एलेगल की प्रो कंसीलर यूज कर रही हूँ इन द शेड मीडियम बेज। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें से जो बनाना शेड है उसको मैं मेरे अंडर आईज पे एंड आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी। पैलेट से मैं कंटूरिंग शेड को लेके मेरी फेस को कंटूर कर लूंगी। ब्लश में यहाँ पे पैक कॉस्मेटिक्स की क्रीम ब्लशर यूज कर रही हूँ इन द शेड 05। हाइलाइटर में यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मॉल्टन गोल्ड। अच्छा मैंने ना और थोड़ी सी कंसीलर अप्लाई कर ली है ताकि यू नो जो आई शेडो कलर है वो और भी पॉप अप हो, तो इसको मैं सिम पाउडर से सेट कर लूंगी। आई शेडो मैं यूज कर रही हूँ ये निका के की आई शेडो पैलेट इन द शेड शुगर प्लम। इसमें सारे पिंक्स एंड वायलेट्स है। सबसे पहले मैं ये वाली पिंक शेड को लूंगी एंड ट्रांजिशन कलर की तरह अप्लाई करूंगी। सेम कलर को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। मैं ये वाली शेड को लूंगी एंड मेरी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। एंड सारे कलर्स यू नो इवनली ब्लेंडेड दिखे। अगेन सेम कलर को मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी। अभी मैं ये वाले शेड को मेरी आईज की आउटर वी पे अप्लाई करूंगी।
अभी ये सेम कंसीलर लेके मैं मेरी क्रीज लाइन को कट कर लूंगी। अगर आप लोगों को कट क्रीज नहीं आती है तो आप लोग सिर्फ थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करके देन शिमर शेड्स अप्लाई कीजिएगा, इससे जो शिमर शेड्स है ना वो और भी पॉप अप होगी। मैं सेम वायलेट शेड को और एक बार यूज करूंगी एंड जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया तो उसके साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ताकि वो ब्लेंडेड दिखे एंड ऐसा ना लगे कि एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। शेड को मैं आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ कलर बार लैश इल्यूशन डू मस्कारा एंड मैंने आईलाइनर अप्लाई कर ली है। नॉर्मल क्लासिक आईलाइनर ड्रॉ की है, कोई भी विंग मैंने ड्रॉ नहीं की है। देखो कि लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड कलर होल्स 4 or 5, अच्छा 5। तो ये नहीं मेरे फाइनल लुक एंड आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड मैं आप लोगों के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।